बोकारो के चास प्रखंड क्षेत्र के सेक्टर 1B स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय चास 3 के प्रचारी ने 7वीं और 5वीं कक्षा के छात्राओं पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर टीसी देकर स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्कूल से निकाली गई दोनों छात्रा सगी बहने हैं। तुम लोग को स्कूल से निकाल दिया गया है? कुछ नहीं हुआ था और बस मैम टीसी दे दी और हम लोग चले यहाँ। और क्या बोली मैडम? बोली मैम कि ये लो टीसी और घर चल जाए। तो तुम क्या स्कूल में बदमाशी करती थी? तुम्हारे ऊपर अनुशासनता का लगा है मोहर? हम बदमाशी नहीं करते, अगर किसी से भी पूछ लीजिए, मेरा दोस्त हो, मेरा क्लास में से दुश्मन से भी पूछेंगे ना तो ऐसा नहीं कहेगा। तो मैडम तो यही आरोप लगा के तुम्हें टीसी देके स्कूल से बाहर निकाल दिए। पर हम नहीं करते तो बिना मतलब के क्यों लगाएगी मैम? वो पेपर दिया, टीसी दे दिया, स्कूल से तुम्हें निकाल दी गई है। तो हमको क्या मालूम था कि मैम हमको दे। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। कौन क्लास में हो? 7 क्लास में। क्या नाम है स्कूल का आपका? राजकीय उत्क्रम मध्य विद्यालय चास 3। वहीं मामले पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए पुनः स्कूल में नामांकित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले छात्राओं की माता और स्कूल के हेडमास्टर रजनी देवी के बीच एक बैठक में बहस हो गई, जिसके बाद आक्रोशित हेडमास्टर ने दोनों छात्राओं पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उन्हें टीसी दे दिया। अच्छा, ये बताइए कि वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कितने के लोग उपस्थित हुए थे, कितने पेरेंट्स वहाँ पे उपस्थित हुए थे, वहाँ पे और कौन कौन लोग थे? ऐसे कम से कम 30-40 होंगे। 40 से कम नहीं। हाँ, कौन कौन थे 40 लोगों में? मतलब कुछ ऐसे अधिकारी भी थे जो वहाँ पर? एक हमारे चाचा लगते हैं, वो अध्यक्ष महोदय थे, और भी अगल बगल के थे जो उन लोग का हम नहीं जानते हैं नाम। मतलब उतने सारे में मतलब आपने टीचर से बात किया? हाँ, खुलकर बात की है। हाँ, हाँ, उसका विरोध करते हुए आपके दोनों बच्चों का टीसी देखे? हाँ, वो स्कूल से निकाल दिया गया। उस दिन चले आए तो हमको इस बात को माइंड ले लिया, हमने हो गया। लेकिन इस सुबह में जब स्कूल ये लोग जाती है तो क्या करती है, मैडम की टीसी काट के इन लोग को दे देती थे। ये लोग क्या जाने, ये लोग हंसते हंसते आ रही है तो मम्मी टीसी मिल गया, तो हम बोले कि दो तो टीसी दिखाओ। तो टीसी दी तो हम देखे हैं, तो हम बोले कि जब टीसी पढ़े नीचे और अगल बगल पढ़वाए तो बोले कि फिर हम इसे हमको भी थोड़ा गुस्सा आया कि भाई बच्चों के साथ ऐसे के। जाकर हम वहाँ बोले कि आप टीसी पढ़िए क्या लिखे हैं, लाल टीसी क्यों दी है दोनों बच्चों को। तो वो बोलती है कहा कि हम बोले कि टीसी को चेंज कीजिए, आपको टीसी देना है तो साधारण टीसी, लाल टीसी क्यों दी है, किसी झारखंड किसी स्कूल में मेरे बच्चा को नाम ना एडमिशन नहीं होगा। तो बोलती है कि तुमको थाना बुलवाए क्या था? हम बोले हाँ बुलवाइए। तो फिर कहते हैं तुम्हारे लिए तो हम ही काफ़ी हैं, मेरा कि तुम किसी भी कहीं भी जाओ लेकिन कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हारा मेरा पावर इतना है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं, तुम कहीं हम ले जा रहे थे डीसी के पास, तो तुम कहीं भी जाओ तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो हम उसी पर बोले कि हमारा बच्चा अब तो पढ़ेगा नहीं। कितने क्लास में आपके दोनों बच्चे, क्या नाम है? 7 और 5 में, ये खुशी 7 में है बड़ी है और साक्षी ना 5 में है। अगर यहाँ से निकल गई ये मुझे जानकारी नहीं हुई और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोगों ने उसे पढ़ाने से या हटाने से या बैठने से कभी मना नहीं किया है, पढ़ाया है। वो बच्चियाँ आई हैं और मैं आज भी उन दोनों बच्चों पेरेंट्स के द्वारा आरोप है मैडम, पेरेंट्स के द्वारा आरोप है कि जब स्कूल गई तो दोनों बच्चों को भगा दिया गया है कि आप सर्टिफिकेट लेकर आओ। सरासर गलत आरोप है सर, ये बिल्कुल सरासर, ये भी आरोप लगाया गया है, ये सरासर गलत आरोप है। दोनों बच्चियाँ आई हैं, बैठी हैं, यहाँ पर हाजिरी बनाई हैं। हाँ, ये बोला गया कि जब तुमको इसी विद्यालय में पढ़ना है तो तुम्हारे पास टीसी रह के क्या होगा, तुम वो प्रति ले आओ। तो वो लाने एक बच्ची को बोला गया था कि एक बच्ची जाके दोनों बच्चियों का ले आएगी और उसमें भगाने का या नहीं आने देने का कोई सवाल नहीं था। ये बोला गया था लाने के लिए, क्योंकि तुम्हें यहीं पढ़ना है तो टीसी यहाँ जमा हो जाना चाहिए। ऐसा मुझे मेरे डीओ मैडम के द्वारा भी निर्देश दिया गया था कि टीसी जमा करवा लिया जाए, लेकिन इसके लिए मैंने उन्हें भगाया नहीं है। वो बच्चियां यहाँ पर रही हैं लेकिन खुद से ही क्यों निकल के चली गई ये मुझे मालूम नहीं। अब क्या इस पर डिसाइड कर रहे हैं? मैं दोनों बच्चियों को वापस लेने के लिए तैयार हूँ और पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, इसी विद्यालय में पढ़ेंगी। हाँ, बच्चों से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन चूंकि अभिभावक के तरफ से बहुत ज़्यादा अपशब्द का प्रयोग किया गया है, गलत व्यवहार किया गया है, गलत गाली गलौज किया गया है, तो इसमें मैं चाहूँगी कि जो है विभाग के तरफ से अभिभावक को चेतावनी दी जाए या जो भी उस पर कार्रवाई की जा सकती है।